लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था? सर वो कोडिंग और डिकोडिंग का वो पांचवा कोडेड स्पार्क पार्ट। वाला, ये हुआ था क्या हमारा जो बॉक्स में लिया था मैंने लेटर, ऐसा कुछ कंडीशन बना के? हाँ सर, आपने कंडीशन दिया था। हाँ कंडीशन, और ये हमारा हो गया था ना सॉल्व करके, क्वेश्चन भी हुआ था ना? नहीं, आई हाँ थिंक सर आपने क्वेश्चन दिया था, इफ बोथ द सेकेंड एंड फिफ्थ एलिमेंट्स आर हाँ वोवल्स हाँ वाला। वो हो गया था ना हमारा, ये हो गया था ना? हाँ कंडीशंस वाले हो गए। ठीक है ठीक है, तो अभी हमारे एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस बाकी थे, वो कवर कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर। चलो सर बोर्ड छोटा दिख सर, ये वाले क्वेश्चन हो गए क्या? मतलब एक लाइन में देते और मतलब नीचे सेंटेंस देते कि वोवेल्स प्रोसीडेड नंबर एंड फॉलोड बाय वो वाले सिंबल्स, हो गए वो वाले क्वेश्चन? नहीं, वो सीरीज में आता है, कोडेड में नहीं आता वो जो ना है ना। निखिल आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? निखिल किसने पूछा है क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था। साहिल, ये वो इसमें नहीं आता, वो सीरीज में आता है, ये कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आता वो साहिल, वो सीरीज वाले में आता। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो सीरीज में पूछा जाता है। क्लियर? शाम सीरीज का लेक्चर शाम को होगा ना? को है, शाम को है। ओके ठीक है। सर तो ये कोडिंग डिकोडिंग का फ्रेश टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं ना सर? कोडिंग डिकोडिंग का फ्रेश नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का ऑलरेडी हो चुका है हाँ सर, सेकंड। मतलब हाँ, एक एक मार्क वाले जो क्वेश्चन हमारे रह गए, पांच पांच मार्क वाले हमने पहले कवर कर लिया था। एक एक मार्क के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में वो कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक मार्क का क्वेश्चन कैसा आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं जनरली, बैंक मार्क का क्वेश्चन बैंकिंग में आया सर। में भी आएगा, एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, कोडिंग डिकोडिंग तीनों में आता है। एक मार्क का आएगा, पांच मार्क के भी आते हैं डायरेक्टली बैंक में, या तो एक मार्क ले आएगा, और एसएससी रेलवे में भी एक एक मार्क के क्वेश्चन दो तीन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। लिख लो, इन अ सर्टन कोड पेज इज रिटन एज 3% 7 एट द रेट सोर इज रिटन एज 8 कॉपीराइट 9 एट द रेट हाउ इज सर, पीज सब क्लियर दिख रहा है क्या? क्या ब्लर दिख क्या रहा है सर, बोर्ड ब्लर दिख रहा है बाकी लोग को? सर लाइट ऑफ करिए ना, मतलब दिखेगा शायद थोड़ा। लाइट ऑफ ऐसा करो क्या? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर, थोड़ा अच्छा फ्लैश गिर रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ढंग से। एक मिनट रुको, अभी देखो दिख रहा है? पर है सर, फ्लैश नीचे नहीं है। दिख दिख रहा है क्या प्रियंका? देखो जरा, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा देखो ये एक मार्क के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जरा कोशिश करो कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। रेट परसेंटेज और एट आएगा सर। 3% और एट 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 ओके। चलो बाकी लोग बताओ जरा, ट्राई करो, कोशिश करो। वेरी सर, मेरा भी हो गया। परसेंटेज गुड, सर हमें से कुछ समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ संतोष, कोई बात नहीं, आप तो नए हो इसके लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो, देखो इन अ सर्टन कोड पेज इज रिटन एज 3% 3% 7% सोर लिखा हुआ है ये, देन हाउ इज पियर्स रिलेटेड? देखो पियर्स का जो है पीस है ना, ठीक है, तो पीस का क्या है, पी का क्या कोड है? 3 है, 3 ले लो। ई कहाँ पे गया? ई का कोड कहाँ पे है? लास्ट है, एट द रेट, ये ले लो। ई का कोड क्या लिखा हुआ है? ई का कोड है सेकंड, और सेकंड का क्या है? परसेंटेज, ये ले लो। एस का कोड क्या है? एस का देखो फर्स्ट, और फर्स्ट का कोड है 8, ये ले लो।
बन गया आंसर, क्या डिफिकल्टी है? एक एक मार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ओनली व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है वीडियो में। वीडियो नहीं दिख रहा क्या अजय? नहीं दिख रहा है, ओनली व्हाइट व्हाइट। हाँ हाँ, आप क्या करो, वो स्वाइप करो, स्क्रीन को स्वाइप करो अजय, स्क्रीन को स्वाइप करो, वहां पे बोर्ड दिखे उसको डबल टैप कर देना, पिन हो जाएगा। सर एक बार और बताओ ना। अनिकेत आओ समझाता हूँ। अजय आपको बोर्ड दिखा? हाँ दिखा सर, दिखा दिखा। ओके दिखा सर, थैंक यू। ओके देखो यहाँ पे अनिकेत, यहाँ पे देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट देखो, पेज का वर्ड है तो पी का कोड है 3, ए का कोड है परसेंटेज, जी का कोड है 7, ई का कोड है @, सोर का भी @ ऐसे ही दिया हुआ है, एस का कोड है 8, ओ का कोड है कॉपीराइट, आर का कोड है 9, ई का कोड है @। अब ये वर्ड दिया हुआ है, आपको सिंपली उसको कोड करना है। क्या करना है? पी का कोड क्या दिया 3, तो यहाँ पे लिख लो 3। ई का कोड क्या दिया लास्ट में है? समझा समझा समझा। @ ए का कोड दिया है यहाँ पे 2nd, परसेंटेज यहाँ पे ले लो, एस का कोड यहाँ पे दिया है 1st, 8 ले लो। सबका आंसर यही है, समझ में आया सबको? समझा समझा। हाँ सर, सर एक बार प्लीज रिपीट करिए ना। हाँ हाँ हाँ, फिर से देखो ये जो कोड है ना, पी का कोड, ठीक है, यहाँ पे देखो पी का कोड क्या है, यहाँ पे नाम बताइए मैम, किसने पूछा था, नाम बताइए? प्रियंका सर। प्रियंका, ओके पी का कोड बताइए मैम क्या है? हमें क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। ओके नहीं समझा, पढ़ो। इन अ सर्टन कोड, इन अ सर्टन कोड पेज इज रिटन एज, पेज को देखो, पेज को उन्होंने कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3, परसेंटेज 7, @। पेज को ये कोड लिखा है, सुर को क्या कोड लिखा है 8, कॉपीराइट 9, @। तो इसका कोड क्या होगा, उन्होंने ये बोला है, तो पेज का कोड ये है, सोर का कोड ये है, तो पीस का कोड क्या होगा, तो कोड जो होगा इनमें से ही होगा ना। हाँ सर बरोबर, पी का 3 है, पी का 3 आ जाएगा। हाँ ई का @, ए का कोड आ जाएगा परसेंटेज हमारा, और एस का कोड है 8। क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ, कोई डिफिकल्टी था एक मार्क के क्वेश्चन के लिए? ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर ऐसे तो नहीं आएगा कि पेज में जो ई का कोड है @ है और सोर में जो ई का कोड है वो कॉपीराइट हो जाए, दोनों अलग अलग, ऐसे तो नहीं आएगा पेज में? जैसे ई में सर, जैसे @ है, हाँ, और सोर के ई वाले में एफ है, एफ, ऐसे तो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पे @ लिखा है ना, दोनों में देखो ई कॉमन है, @ है ना। हाँ वो वही पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आते ना सर। नहीं नहीं, संतोष और अंकुश यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैसा होता है कि आपको ना ये कोड में से हमेशा एक कॉमन देगा, एक कॉमन देगा, जिससे आपको ये समझेगा कि पी का कोड 3 है, ए का कोड @ है, जी का कोड 7 है, ई का कोड @, मतलब ये @ दिया है, तो ई ई एक कॉमन है, मतलब समझ जाओ कि ई का कोड @ है, मतलब सारे सिक्वेंस में, समझे आप? तो कभी भी ऐसा नहीं देगा कि ई का कोड @ दे दिया और ई का कोड #, दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? यस सर, यस सर। चलो रफ कर दूं। हाँ सर। सर वो अड्डा की बुक ऑनलाइन मिलती है क्या? हाँ अड्डा की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अड्डा 247 रीजनिंग का मंगा लो आप, अगर बैंकिंग का है तो बैंकिंग मंगा लो, अगर आप एसएससी और रेलवे वाले हो तो एसएससी का मंगा लो, ठीक है? मेरे दोस्त के पास एक बुक है आरबीआई का, उसमें रीजनिंग ये सब सब है। सॉल्व किया पेपर रहेगा ना आरबीआई का, सॉल्व? हाँ आई थिंक यही बुक है क्या? हाँ इसी टाइप में कुछ। हाँ तो यही बुक होगा, आरबीआई का एक ही बुक मिलता है यही। चलिए 6 देखो, यहाँ पे लिखा है @ means स्क्रीन पॉज हो गया था।
हाँ सर मतलब हाँ सर पॉज हो गया। हेलो नेटवर्क इशू। स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। डॉलर मीन्स माइनस, तो 6% 12 कॉपीराइट 3 एट द रेट 8 डॉलर 3 इक्वल टू कितना? सॉल्व करिए इसे। सर 35। हेलो सर 45 कितना? 45 चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 35 आया सर। चेक करना पड़ेगा मैम, चेक करना पड़ेगा। 35 है। सर 35 सर 35 ओके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इफ एट द रेट का मतलब क्या दिया? मल्टीप्लाई। कॉपीराइट का मतलब दिया डिविजिबल। परसेंटेज का मतलब दिया एडिशन। डॉलर का मतलब दिया है माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो 6% 12 दिया, तो 6% का मतलब क्या है? प्लस 12। कॉपीराइट का मतलब क्या है? और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई 8 हो गया, और डॉलर का मतलब हो गया माइनस 3 हो गया। तो देखो पहले क्या करें, अपने डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा? 4। ठीक है, तो 4 × 3 8 ना 32। सर आपका आवाज म्यूट हो गया। नहीं गया सर। देखो 4 × 2 4 × 8 32 प्लस 6 38 माइनस 3 35। नोट डाउन कर लीजिए। अजय क्लियर हो रहा है? अजय क्लियर हो रहा है क्या? हाँ ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा वीडियो। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा क्योंकि बाकी लोग को ब्रेक हो रहा है। पूरा ब्रेक। हाँ सर मेरा भी हमारा ब्रेक हो रहा था पूरा। हाँ सर दे समझे नहीं सर। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं सर बराबर। ओके ओके
सर, हेलो सर, सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। हाँ हाँ बोलिए सर, मैं पूछ रही थी कि मतलब नोट्स के साथ साथ बुक से भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बुक से पढ़ना पड़ेगा मतलब? मतलब जैसे आपने जो आपके पास बुक है वैसे बुक भी मतलब लेनी पड़ेगी या फिर सिर्फ नोट से ही पढ़े? नहीं बुक तो ले, बुक आप देखो नोट से पढ़ोगे ठीक है, बुक ले लोगे तो और भी अच्छी बात है ना, बुक ले लोगे ना और भी अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस होगा। ऑल सब्जेक्ट का सर? क्या क्या ऑल सब्जेक्ट का मतलब? जो सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा है उसको ले लो। ओके सर। नहीं तो मॉक टेस्ट लगाओ। देखो किसका डाउट था, किसे रिपीट करना था मैम, नाम बताइए, नाम बताइए प्लीज। नहीं सर समझा सर हमें। हाँ सर वो पी आर बी है कि यू है? ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर वी के आई डी आर आएगा ना? वी के आई डी आर, के आई डी आर, चेक करते चेक करते बाकी लोग का आंसर भी अगर ये आया तो ये होगा। देखो माउस का कोड लिखा हुआ है, क्या कोड है? पी आर यू यू सी। और तो शिफ्ट का कोड क्या होगा? देखो समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, पहले ABCD लिख लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो PKIDR। ये देखो समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो, माउस का कोड इन अ सर्टन कोड माउस इज रिटन एज ये, हाउ इज शिफ्ट इज रिटन एज, तो हमें शिफ्ट का क्या कोड आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप याद रखो कि पहले आपको चेक करना है कि माउस का जो पैटर्न होगा वही सेम पैटर्न हमें शिफ्ट में रखना है। आप क्या करो पहले ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो दो ये साइड आ गया, दो ये साइड आ गया, आया कि नहीं बताओ मुझे? यस ठीक है। अभी चेक करो M का P कोड दिया है, M इधर है P इधर है, कितना प्लस है? एक दो तीसरे नंबर पे प्लस थ्री हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? पास में है ना? देखो M N O P प्लस थ्री पे आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ P M से P प्लस थ्री पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। R में जाना है, O से आप R में जा रहे हो, यहाँ पे प्लस थ्री हो रहा है कि नहीं? देखो P Q R प्लस थ्री हुआ। हाँ सर ठीक है। यू तो एज इट इज लिख दिया उन्होंने, आगे बढ़ो। एस से क्यू में जाना है, एस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, माइनस टू हो रहा है कि नहीं देखो जरा?
माइनस टू ई को देखो, ई यहाँ पे सी यहाँ पर है, माइनस टू हो रहा है कि नहीं? Yes, और तो सेम चीज सेम पैटर्न हमें यहाँ पे शिफ्ट पे रखना है। तो शिफ्ट पे कैसे रखेंगे, पहले हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखो यू का कोड यू था तो आई का कोड क्या आएगा हमारा, आई आई ठीक है। अभी एस का देखो क्या था, प्लस थ्री, तो एस से प्लस थ्री करो, एक दो तीन क्या आया कोड, वी आया ठीक है। एच से प्लस थ्री करो, एक दो तीन क्या आया, के आया ठीक है। एफ से माइनस टू करना है, एफ से माइनस टू करो, एक दो क्या आया, डी आया। एफ से माइनस टू करेंगे तो एक दो डी आएगा ना, माइनस ग्यारह तो पीछे आएंगे ना, बताइए स्टूडेंट। ठीक है, टी से माइनस टू करो, एक दो आर आ गया यहाँ पे, तो श्रुति वेरी गुड करेक्ट आंसर। सर नहीं समझा सर मेरे को। अंकुश क्या नहीं समझा बताओ, पूरा नहीं समझा? नहीं नहीं पूरा नहीं सर, ये शिफ्ट वाला नहीं समझा। शिफ्ट वाला देखो, देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, कोई भी कोड आता है याद रखो उसको पहले हाफ पार्ट में डिवाइड करो। तो अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो इस साइड वर्ड आगे, दो इस साइड वर्ड आगे, एक कॉमन वर्ड बीच में आ गया, आया ना? हाँ सर। देखो पहला कोड पढ़ो, यहाँ पे एम से पी में जाने के लिए प्लस थ्री का फॉर्मूला था, था कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो एस को प्लस थ्री करेंगे, तो एस यहाँ पर है उसे प्लस थ्री करो, तो एस आगे बढ़ो प्लस थ्री से, टी U, B, V लिख लो यहाँ पे, क्लियर? H से कितना है, प्लस थ्री यहाँ पे है तो H को भी प्लस थ्री होगा, सेम पैटर्न यूज होता है, इसलिए उन्होंने दिया है माउस का कोड ये होगा तो शिफ्ट का कोड ये होगा। दो H से प्लस थ्री करो, एक दो तीन K आ गया यहाँ पे, यस सर। ठीक है, अभी शिफ्ट का देखो, आप शिफ्ट का देखो, S का था माइनस टू तो शिफ्ट का माइनस टू करेंगे तो क्या होगा, F का माइनस टू करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा F से माइनस टू करो, E और D पीछे आओगे ना, माइनस मतलब पीछे आओगे तो D आ गया। I का देखो एज इट इज लिखना था क्योंकि U का एज इट इज उन्होंने लिखा है, ठीक है। T का देखो, T का माइनस टू करना है, T का माइनस टू करो, ये आ गया R, माइनस इधर से होगा पीछे, ये तो आगे जाओगे ना आप, माइनस मतलब होता है, यहाँ पे आ गया R, क्लियर? हाँ सर समझ। अजय क्लियर हो रहा है? अजय यस सर क्लियर हो रहा है, यस ओके। बाकी नए स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ना? सर ये फॉर्मूला है क्या? यस सर। फॉर्मूला नहीं है, देखो ऐसा है कि ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे अगर आपको पैटर्न देता है कि इन अ सर्टन कोड माउस इज रिटन एज पी आर यू क्यू सी, तो ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न फॉलो करके आप शिफ्ट का कोड निकालो, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न आएगा, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता मैम। क्लियर प्रियंका मैम? सर ऐसे अराउंड कितने पैटर्न होते हैं, मतलब कुछ नहीं नहीं देखो मैं एक बात समझाता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के जो एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें ना इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो ये M से P में गए, देखो M इधर है, P इधर नजदीक में है कि नहीं मुझे बताओ, नजदीक में है या नहीं? यस यस नजदीक में। O से R, O यहाँ पे है, R यहाँ पे, नजदीक में है ना? तो yes. जब नजदीक की बात आती है ना तब प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का कोड लेना है, मतलब प्लस होगा माइनस होगा। बट सपोज करो अभी डायरेक्ट एम के जगह पे डायरेक्ट दे देता ई, तो देखो प्लस माइनस कर सकते थे, इतना लंबा है दूर है, बरोबर। ओ का कोड देता सपोज करो डी, तो आप प्लस माइनस कर सकते थे क्या, मुझे बताओ? ओ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, नहीं, तो नहीं। प्लस नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि वो अपोजिट वाला तो नहीं है ना, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जब नजदीक में अल्फाबेट्स आए तो प्लस माइनस करना है, अगर प्लस माइनस से नहीं हो रहा अपोजिट चेक करो, अपोजिट में है क्या, तो देखो एम का अपोजिट एन आना चाहिए था बट ई लिखा है तो अपोजिट भी नहीं है, तो हाफ पार्ट चेक करना होता है कि ई यहाँ पे है तो यहाँ पे देखो क्रॉस तो नहीं हुआ है, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे आगे, ये धीरे धीरे क्वेश्चन लूंगा मैं, क्लियर। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, इसे हमें मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर स्टूडेंट? यस। सर इसके क्वेश्चंस प्री में आते हैं कि नहीं, कोडिंग डिकोडिंग ओनली प्री में आते हैं, मेंस में तो उसमें ऑनलाइन रहते हैं कि ऑफलाइन रहते हैं एग्जाम? ऑनलाइन रहते हैं ना सर, सारे एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो गए। हाँ तो उसमें फिर हमें भी ऐसे अल्फाबेट ऐसे मतलब बुक लेके बैठना पड़ेगा क्या, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग? नहीं अल्फाबेट, ये जो एबीसीडी बोल रहे हो? हाँ सर। वो एबीसीडी आपको रफ शीट मिलेगा वहां पे, तो आपको ऊपर लिख लेना आप सेफर साइड में,
बहुत लोग करते हैं, स्कॉची स्कॉची लोग करते हैं वहां पे, क्योंकि उनको टाइम बचाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन फटाक से समझता है। अगर आप एबीसीडी पेपर मिला, सपोज करो ये रफ शीट मिला, तो एबीसीडी यहाँ पे लिख लो, आप ऐसा लिख लो, यहाँ पे ऐसा बना लो, क्या टेंशन, टाइम बचता है ना। ये सॉल्व करिए, सिक्स आएगा क्या सर? क्या आंसर आया? सिक्स आएगा सर, एट आ रहा है, किसी का आ रहा है सिक्स, ठीक है चेक करते हैं। बाकी लोग का आंसर आ रहा है? हेलो एट सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अपना क्वेश्चन ऐसा है कि ये पैटर्न फॉलो करना है, देखो यहाँ पे दिया है सिक्स एट एट, पे दिया वन टू सिक्स एट, फिर दिया वन टू थ्री सिक्स एट, फिर वन टू थ्री फोर सिक्स एट, देखो यहाँ पे थ्री था, देन फोर ऐड हो रहा है, फिर सिक्स ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे सिक्स था, देखो सिक्स एट एट पहला आ रहा है, वन टू सिक्स एट, वन टू डाला सिक्स एट डाला, फिर देखो वन टू थ्री, थ्री ऐड कर या फिर सिक्स एट डाला, और फिर इस बार देखो अल्टरनेट देखो कैसे आ रहा है, सिक्स डबल एट पहले आ रहा है फिर सिक्स एट आ रहा है, फिर सिक्स डबल एट आ रहा है फिर सिक्स एट आ रहा है, दिख रहा है आपको? जी सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट, अभी देखो यहाँ पे एट आएगा, सिक्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी बीच में फिर से सिक्स क्यों आया? कौन सा क्या बोल रहे हो पूर्वा मैम, बोलो। सेकेंड लाइन में सिक्स आया है ना फिर से, देखो ना, देखो यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है, सिक्स डबल एट पहले ये डाला हुआ, ठीक है अब यहाँ पे चेक करो, वन टू सिक्स एट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वन टू सिक्स एट, पहली लाइन में ये आया, फिर क्या ऐड किया हमने, वन टू थ्री सिक्स एट, ये पैटर्न आ गया। अभी उसके बाद क्या ऐड हो रहा है, वन टू थ्री फोर डाला उन्होंने, फिर सिक्स एट सिक्स, ये पैटर्न आ गया, तो ये पैटर्न ऑल्टरनेट जा रहा है, देखो सिक्स डबल एट, यहाँ पे देखो सिक्स डबल एट, फिर सिक्स एट, सिक्स एट, यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ऐड किया, देन अगेन सिक्स, देन एट, फिर ये पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पे एट आएगा, क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा इसको लिख लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक एक मार्क के आते हैं, लॉजिक नहीं होता, इसको सीक्वेंस से समझना होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं तब तक। चलो रफ कर दूं सर, दो मिनट। हाँ In a certain code space is coded as H C K V J and night is coded as P R I J V in the same order dash will be
कोडेड एज एम टी क्यू ओ आर. सॉल्व करिए इसे. K R O M P. Very good, Sahil. Very good. Very good. Very good. बाकी लोग का आंसर आने दो. K-R-O-M-P. Oh, very good, very good. Very good, Omkar. K-R-O-M-P. K-R-O-M-P. Okay, very good. सबको समझ रहा है नए स्टूडेंट? अजय? Yes, sir. अजय, clear? हाँ, clear, sir. Okay. नए स्टूडेंट में आप समझ रहा है? अब धीरे धीरे जब ये used to हो जाओगे ना क्वेश्चन से, तो आपको समझना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा. हीना, आपको क्लियर हो रहा है? संतोष, हीना. K-R-O-M-P. ओके, वेरी गुड. हिना, क्लियर हो रहा है? हाँ सर. चलो देखो, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये लिख लेता हूँ. देखो, इन अ सर्टन कोड, फेथ का कोड ये दिया है, लाइफ का कोड ये दिया है, तो इन द सेम ऑर्डर ये डैश विल बी कोडेड एज एम क्यू क्यू आर. मतलब इसका वर्ड निकालना, ये कोडेड दिया हुआ है, कोडेड दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे पहले कोड देखते हैं. पहले कोड क्या है, फेथ का कोड क्या है. देखो, फेथ का कोड इन्होंने लिखा है एच सी के डी जे, बरोबर. तो देखो एफ, देखो आसपास है क्या, पहले चेक करो. एफ के बाद में एच है, तो प्लस माइनस वाला होगा. प्लस टू, प्लस टू, वेरी गुड. प्लस टू, आई का भी प्लस टू, सबका प्लस प्लस टू है. चलो प्लस टू, प्लस टू, ठीक है. तो एम टी क्यू ओ आर, तो ये नीचे वाला कोड है. जब ऊपर वाला कोड हम बनाएंगे माइनस, तो देखो ये प्लस टू करके ये नीचे वाला कोड आ रहा है, तो ऊपर वाला कोड बनेगा तो माइनस टू करके आएगा ना. यस सर. तो एम का माइनस टू करो, क्या बनेगा, के. टी का माइनस टू करो, आर. क्यू का माइनस टू करो, ओ. ओ का माइनस टू करो, एम. R का माइनस टू करो, P. बरोबर ना, यही बना है सबका आंसर, यही आया था. Yes, सबको समझा ये कि नहीं समझा? नहीं सर. नहीं, अंकुश नहीं समझा? नहीं सर, वो नाइट वाले में सर I और R है ना, नाइट में सर. कहाँ पे? नाइट वाले में देखो, प्लस टू जाएगा, इसमें भी प्लस टू जाएगा. देखो देखो, N का प्लस टू कितना है, P आना चाहिए. N का प्लस टू P है कि नहीं, यहाँ पे चेक करो. I का प्लस टू थोड़ी होएगा, R. I का प्लस टू R आना चाहिए. ओके, वही सर, वही समझ. G का प्लस टू, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये. फिर H का प्लस टू, J. T का प्लस टू, V. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो I का प्लस टू I है ना, I का प्लस टू K आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ. हाँ सर, अब समझ गया. और सर एक छोटा सा और दूसरा डाउट है, पूछो. ये आपको कैसे पता चले कि इसको ऊपर में लिखना है कि नीचे में लिखना है, जैसे आप M... ये वाला? नहीं नहीं सर, ये वाला M T Q O R. देखो ना क्या लिखा है, इन अ सर्टन कोड, फेथ इज कोडेड एज, मतलब फेथ को कोड किया है एच सी के वी दे अवार्ड, नाइट को कोडेड एज. तो इन द सेम वे, इन द सेम ऑर्डर, डैश विल बी कोडेड एज, डैश विल बी कोडेड एज. कोडेड एज का मतलब कोड निकाला हुआ है. अब वर्ड देखो ना, कोडेड एज मतलब ये कोड दिया इस वर्ड का, कोडेड एज का मतलब ये कोड दिया इस वर्ड का, तो ये कोड निकाला हुआ, आपको वर्ड ढूंढना था. क्लियर सर? अगर ये ऑर्डर विल बी कोडेड एज नहीं देता और इसका मतलब पूछता तो ये ऑर्डर नंबर ऊपर हो जाता. नहीं नहीं, आप तो कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा कि आपको समझेगा. ऐसा तो नहीं, मतलब कोडेड, अगर कोडेड एज नहीं दिया होता, अगर ये दे देता वो इन द सेम ऑर्डर M to Q O R is coded as dash. तो आप इसका कोड निकालते हैं.
फिर इसका कोड निकालते प्लस टू करके, माइनस टू नहीं नहीं प्लस टू करके निकालते हैं। अभी कैसा है ये इसका कोड कोड ऑलरेडी निकला हुआ है, तो आप जो किसी का फेथ का कोड निकाल रहे हो तो प्लस टू करके निकाल रहे हो बरोबर। आपने नाइट का कोड निकाला है प्लस टू करके निकाला है, तो आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी कोड निकला हुआ है तो ये प्लस टू करके ऑलरेडी निकला हुआ है, तो जी, आपको जी, क्या जी. करके माइनस टू करके वर्ड निकालना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, क्लियर? रफ कर दूं सर? रफ कर दीजिए। सर हाँ जी बोलिए। सर ये प्लस टू करके निकाला था इसीलिए वो माइनस टू करके निकाला ना, मतलब प्लस ऑलरेडी निकल चुका था। प्लस ऑलरेडी निकल चुका था, जैसे सपोज करो क्या था, फेस का कोड था HCKBJ, तो ये जो कोड निकला हुआ है ना, ये कोड ऑलरेडी सब में प्लस टू करके निकला था, बरोबर ना? बरोबर ना? नाम बताइए मैम। प्रियंका। प्रियंका मैम, ओके। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस टू करके निकला है, जितने भी कोड निकले प्लस टू करके निकले, बरोबर। तो ये कोड जो निकला है प्लस टू करके निकला है, तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि सपोज करो कोई भी कोड ले लो, CQRVC कोई भी कोड, तो अगर आपको वर्ड निकालना है तो ऑलरेडी आप प्लस टू करके कोड निकाल रहे हो, तो आपको जो वर्ड निकालना पड़ेगा तो माइनस टू करके ही निकलेगा ना वो वर्ड। प्रियंका मैम क्लियर हो रहा है? हाँ सर हाँ। तो माइनस टू करके निकलेगा ना, मैं समझा आपको? मैम समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझा, माइनस टू करके निकलेगा, ऑलरेडी प्लस टू करके निकल चुका है। ऑलरेडी प्लस टू करके निकल चुका है। देखो एक मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। देखो द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन सेम इफ, ये बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है प्लीज बंद करो ना, ईच ऑफ द अल्फाबेट बंद हो गए। ओके ओके, ईच ऑफ द अल्फाबेट्स इन वर्ड फ्रेंड friends is arranged in the alphabetical order from left to right। पहले ये बताओ ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया क्या करना है? मैं बता दो ना सर। देखो पढ़ लो पहले, आप समझने का कोशिश। हाँ सर समझे समझा। इसको अल्फाबेट उपासना, देखो the position of how many alphabets will remain the same if each of the alphabets in a word friend ko hum log alphabetical within the word usko karenge from left to right, to kitne aise word hai jo apna position same jagah pe rahenge sir? N or S? N or S? N or S sir? Answer as yes sir, yes. N or S? सबका N or S आ रहा है? Yes sir. Yes sir. 14 और 19 change नहीं हो रहा है।
चलो फिर देखो क्या वर्ड है, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ जरा, फ्रेंड है, ये मिटा देता हूँ नीचे का, यस सर, फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड वर्ड है, मैंने ऊपर इंग्लिश अल्फाबेटिकल का लिख लिया यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या आएगा मुझे बताओ, इंग्लिश विद इन दी वर्ड्स में आपको सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इसमें से, डी, डी आएगा, वेरी गुड, डी कैंसिल करो, उसके बाद क्या आएगा, ई, ई आएगा, ई कैंसिल करो, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, आई नहीं आएगा, एफ आएगा, कैंसिल करो, अब उसके बाद आई, आई आएगा, कैंसिल करो, उसके बाद एन, एन, एन सेम रहेगा, एन हमारा सेम पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, एन हमारा यहाँ पे सेम पोजीशन पे आ गया, चलो डी तो कैंसिल हो गया, आर, 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 आएगा, और एस, 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 तो देखो एस हमारा सेम पोजीशन पे आ गया, तो पूछा है the position of how many alphabet will remain the same each of the alphabetical order friends within the alphabetical orders theek hai from left to right to kitne words se jo hamare same position pe honge two options mein aayega two options hai to tick karna hai clear sir ye jo aapne bola left and right ye wala line from left to right matlab from left to right ka matlab ye hota arrange karna from left to right matlab hamara yahi direction hota hai aisa लेफ्ट टू राइट लिया था हमने बरोबर बेटे के पता चला एन यहाँ पे पोजीशन में एस यहाँ पे पोजीशन में बरोबर अगर एग्जाम में देता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना देके बोलता फ्रॉम राइट राइट टू लेफ्ट अब सॉल्व करो उल्टा अब तो जैसे नीचे लिखे वही उल्टा लिखते थे डी ई एफ आई उल्टा कर देंगे बस डी ई एफ आई और क्या था एन आर एस एन आर एस देखो कोई सेम पोजीशन पे है क्या कोई आर 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 है और कोई सेम पोजीशन पे है नहीं नहीं तो ओनली वन वर्ड आएगा क्लियर अगर ये देखो ये याद रखना एग्जामिनर ना आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसमें घुमाएगा बहुत लोग क्या करते हैं ये पढ़ते हैं इनको आधा पढ़ के समझ में आ जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालना है बट वो कैसे निकालना है कौन से डायरेक्शन में निकालना है ये इंपॉर्टेंट होता है तो इधर ध्यान देना लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्लियर क्लियर अजय Any doubt? Yes, sir. हाँ अंकुश बोलो सर ये मतलब S R N F I T ये सर कैसे है ये वाला है नहीं देखो हमें ये जो वर्ड है ठीक है ये वर्ड को हाँ बोलिए ना हेलो हाँ बोलिए मैम उपासना मैम बोलिए आवाज नहीं आ रही आपकी मैम आवाज नहीं आ रही है मैम आवाज नहीं आ रही आपकी चलो यहाँ पे देख लो अंकुश यस सर देखो ये फ्रेंड वर्ड लिखा है ना ये फ्रेंड वर्ड को ये जो वर्ड लिखा है एफ से लेके एस तक तो ये जो वर्ड लिखा है इसे हमें ना इंग्लिश हाँ उपासना बोलिए सर ये क्वेश्चन निकाल सॉल्व करने के बाद लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे ना नहीं नहीं यहाँ पे लिखा होता है नहीं अगर क्वेश्चन में पूछा कि लेफ्ट से राइट है तो पहले सॉल्व लेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे राइट टू लेफ्ट अरेंज करेंगे डायरेक्टली करो ना क्यों करना है इस काम क्यों बोला है देखो फ्रेंड्स बोला है ठीक है एक यहाँ पे लिख आपको फ्रेंड्स बोला है ठीक है आपको क्या करना है ये फ्रेंड्स बोला है यहाँ पे फ्रेंड्स बोला है ठीक है अगर लेफ्ट टू राइट बोला है सीधा यहाँ से लिखना शुरू करो राइट टू लेफ्ट बोला है सीधा यहाँ से लिखना करो बहुत लोग आप ऐसा मत करो कि पहले लेफ्ट टू राइट लिखिए फिर उल्टा कर देना टाइम वेस्ट होगा ना देखो अंकुश यहाँ पे फ्रेंड तो एफ और एस तक के बीच में जो वर्ड है इंक्लूडिंग एफ और एस उसको इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब सर इंग्लिश में एबीसीडी होता है एबीसीडी होता है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक है ना तो देखो इसको इंग्लिश के अल्फाबेट में ये अरेंज करना है मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ये होता है
कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में आएगा, डी बाद में आएगा। तो ये वर्ड देखो, सबसे पहला वर्ड कौन सा है इसमें जो अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है? देखो ये फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा है क्या यहाँ पे, बताओ अंकुश? नहीं सर। बी लिखा हुआ है अंकुश यहाँ पे, चेक करो? नहीं सर। सी? नहीं। डी लिखा हुआ है क्या? हाँ सर। तो डी इसको कट करो, डी यहाँ पे लिख लो, ठीक है? डी के बाद क्या आता है? ई। ई लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ सर। ई यहाँ पे कट करो, ई यहाँ पे लिख लो, ठीक है? ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ सर। एफ यहाँ पे लिखो और एफ यहाँ पे कट करो, और वर्ड के नीचे ठीक है? फिर एफ आता है जी। जी यहाँ पे है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। ठीक है, एच यहाँ पर है? नहीं सर। आई है, देखो आई यहाँ पर है, हाँ आई है सर। आई कट करो, यहाँ पे लिख लो। आई के बाद देखो सीधा आर एन एस लिखा हुआ है, तीन वर्ड्स दिए हैं, तो सीधा चेक करो पहले कौन सा वर्ड आता है, चेक करो बताओ मुझे क्या पहले आता है? सर ये आएगा, आर आएगा। आर इसके पहले एन भी तो है ना, यहाँ पे देखो। हाँ सर, एन पहले आता है ना, ठीक है एन ले लो, एन। फिर एन तो आगे नीचे ये हमारा एक वर्ड मिल गया। तो अभी इसके बाद क्या होता है हमारा, आता है फिर ऐसा। तो देखो कितने जो ऐसे वर्ड है जो अपने सेम ओरिजिनल पोजिशन पे सेम है, और जो अभी नया पोजीशन बना उसके में से कंपेयर टू ओरिजिनल पोजीशन नए पोजीशन में भी सेम है। तो देखो एफ अपने पोजीशन पे है क्या? नहीं सर, एफ नहीं अपने पोजीशन पे। वर्ड है जो अपने पोजीशन पे, एन देखो अपने पोजीशन पे, एस देखो अपने पोजीशन पे, तो ऐसे दो वर्ड आएंगे। क्लियर सर? समझ गया। ओके चलो रफ कर दो। यस सर। Which of the following will come in place of question mark? X, V, U, W, U, T, V, T, S, U, S, R, question mark. Solve करिए, क्या आएगा? TRQ. Okay, निखिल का आंसर है TRQ और मैम का भी आंसर है TRQ. 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 Okay. आप लोगों ने TRQ सर, रिवर्स ऑर्डर में जा, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे थे, तो एक पहला अल्फाबेट के बाद एक का स्पेस आने के बाद फिर दो कंटिन्यू। ओके, तो इसका आपने जो सॉल्व किया, जो मैं बताऊंगा अभी उसी तरीके सॉल्व किया, पहले चेक करना, बाकी लोग का आंसर आने दीजिए। अजय आपका आंसर आया? अजय का आंसर TRQ, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे पहला अल्फाबेट क्या है? एक्स है ना? हाँ। यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू वी यू। देखो एक्स डब्ल्यू वी यू है ना, एक एक पीछे जा रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो वी है, यू है, वी है, यू है, टी है, एस है। तो देखो वी यू टी एस एक एक पीछे जा रहा है, यहाँ पे यू टी एस आर, यू टी एस आर, सिंपल है ना, एक वर्ड पीछे आ रहा है। ले लो, देखो उल्टा पढ़ो, एक्स डब्ल्यू
V U T आएगा इसके बाद वाला, तीन वर्ड चाहिए ना, एक दो तीन। देखो X के पीछे क्या दिया, W, X के पीछे आ गया W, W के पीछे V आएगा, W के पीछे V आ गया, V के पीछे U आएगा, V के पीछे U आएगा, तो जो पहला वर्ड होगा U के पीछे वाला ही होगा ना, तो आ गया T। अभी यहाँ पे पढ़ो V U, V है, V के पीछे दिया है U, U के पीछे दिया है T, और T के पीछे दिया है S, तो इसके पीछे वाला वर्ड भी क्या आएगा, R। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। ठीक है, U के पीछे दिया है T, S, R, R के पीछे आएगा Q, तो T Q T R Q, क्या आपने ऐसे सॉल्व किया था जैसा? हाँ सर। चलो सर ऐसे नहीं किया था। हाँ आप लोग ने कैसे किया होगा मुझे समझ रहा है, X V U मतलब माइनस टू सर, ये U V T U ऐसे है, फिर इसके बाद लास्ट का नंबर ले लिया R के पहले का, वैसे भी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, एक और ऐसे टाइप का लो ना। अरे बहुत सिंपल है, बना लो क्वेश्चन, देखो बना देते। चलो X V T S Q O, X V T S Q O, NLJ, तो क्वेश्चन मार्क बनाओ, बताओ क्या आएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही, आ रही। हाँ इसको सॉल्व करो। चलो अंकुश खाने दो, फिर सॉल्व कर। IHE अजय, वेरी गुड। हाँ सर आ गया, IGE समझ गया सर मैं। ओके देखो क्या पैटर्न है, X से S जा रहा है, 4-4 का गैप है, 4-4 का गैप है बरोबर, तो सेम थिंग आपको 4-4 के गैप में लेना है। जैसे देखो बहुत लोग ये फॉर्मूला ट्राई करते हैं, X U T ठीक है, फिर S Q O, फिर N M N L J बरोबर, यही था। हाँ तो क्या आएगा, I G E, यही पैटर्न आएगा ना? यस सर। चलिए अब मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। रफ कर दूं? यस सर। चलो यहां पे देखो, इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट्स इन द वर्ड fainted is arranged in alphabetical order from left to right and then each vowel is changed
to next letter in the English alphabetical order. And each consonant is changed to the previous letter in the English alphabetical series, then exactly middle of the new arrangement thus formed. So what will be exactly in the middle of the new arrangement? Solve kariye ise. Board dikh raha aapko? बोर्ड विजिबल है ना सबको? क्लियर दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? दिख रहा है बट क्वेश्चन ये पहले चेंज किया टू लेफ्ट टू राइट, लास्ट के वर्ड्स थोड़े नहीं दिख रहे। लास्ट के वर्ड कौन सा? मिडल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है सर। सुनिए ना। हाँ जी बोलिए ना सर। पहले लेफ्ट टू राइट चेंज कर दिया, फिर वायवल को भी नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया। नहीं, पहले क्या करना है आपको, ये फेंटेड दिया है लेफ्ट टू राइट में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में कर लो। ओ कर दिया सर। वॉवेल को आप नेक्स्ट करो। ई आएगा। कर दिया सर। ई ई ई। उसके बाद मिडल चेक करो, उसी में मिडल चेक करो। क्या? उसी में मिडल चेक करो। हाँ 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 सर, ई आया। ई सर, ई आया। ओके ओके, चेक करते हैं। बाकी लोग का आंसर आ जाने दो, चेक करते हैं। ई है सर। ओके ओके, चेक करते हैं। सर ये प्रीवियस लेटर के बाद क्या लिखे? एम। प्रीवियस लेटर कहाँ पे? प्रीवियस लेटर 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 इन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सर ई। साहिली का आंसर आ गया ई। वेरी गुड, चेक करते हैं। ई आई थिंक सबका आ रहा, तो वही आंसर होगा, चेक करते हैं। सर मेरे हिसाब से एफ होना चाहिए, एक बार चेक करिए ना। मैं चेक करता हूँ मैम, चेक करता हूँ। क्योंकि वायवल चेंज किया है तो फिर ई बीच में नहीं आ रहा है, एफ आएगा। पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा इसको। कंसोनेंट भी तो चेंज हुआ है। नहीं, चेक करते। लास्ट का लाइन नहीं समझ में दिख रहा है ना, इसलिए वहीं से। कौन सा लाइन चेंज किया? बट मेरे हिसाब से ई पी वायवल को जब चेंज किया सर, तो मिडल आपने बोला, तो मिडल तो एफ आ रहा मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं मैम, चेक करते समझेगा, चेक कर। चलो बाकी लोग का। अनिकेत गुप्ता का आंसर आ गया एफ। ओके, अनिकेत गुप्ता का आंसर आ रहा है एफ। और समृद्धि का ई आया है, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। ई सर, ई आ रहा है। चलो चेक करते हैं, आप लोग का हो जाएगा लिख के, तो मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन आप लिख लो। हो गया लिख के, रफ कर दूं? बताइए स्टूडेंट, रफ कर दूं? यस सर। चलिए पहले क्या करना था, ये वर्ड को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, बरोबर? हाँ। ठीक है, देन वॉवेल कौन सा करना था, आगे या पीछे? पढ़ के बताओ। आगे। नेक्स्ट लेटर। और कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर, बरोबर? कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर। पहले इसको अरेंज करो, पहले क्या आएगा? ए आएगा। ए, देन ई, देन ई, ई, एफ, आई, एन, आई, एन, टी, बरोबर? सबका यही आया था जी। अब इसमें वॉवेल, कितने लोगों को पता है वॉवेल क्या होता है? ए आई ओ ई आई ओ। कंफर्म सबको पता है ना वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल। मतलब वॉवेल चीज वो होती है जो हिंदी में हम लोग स्वर स्वर बोलते हैं, स्वर। कब ये आता ना, आ ई, क्या बोलते हैं, छोटा ई बड़ा ई, वो आई जो होता है वो होता है वॉवेल। क्लियर? किसी को डाउट है वॉवेल और कंसोनेंट में?
नहीं सर नो सर वॉवेल वो होता है ए ई आई ओ यू और इसको छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट बचते हैं वो होता है हमारा कंसोनेंट याद रखना इसको ठीक है वॉवेल को क्या बोला है प्रीवियस या नेक्स्ट क्या बोला है नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है प्लस वन क्या आएगा टी टी बताओ कंसोनेंट पहले वॉवेल को चेंज कर लो चलो एफ तो ई क्या हमारा एफ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा आई का जे जे हाँ जे ठीक है ये हमारा वॉवेल तो हो गया अब क्या करना है कि कंसोनेंट जो है जितने भी उसको प्रीवियस करो क्या आएगा हमारा माइनस वन माइनस वन ठीक है माइनस वन एम एस माइनस वन एस पूछा है कि इनमें वर्ड में से मिडल क्या होना चाहिए मिडल लोग कैसे निकालते हैं देखो वर्ड गिनो पहले कितना है एक दो तीन चार पांच छह सात सात दिया है मिडल निकालना है ना yes, सात दिया है ना सात डिवाइडेड बाय टू करो कितना आता है कितना आता है 3.5 तो थ्री इधर से निकालो थ्री इधर से निकालो और ये आ गया मिडल क्योंकि 0.5 दोनों में आता है हाफ हाफ दोनों में आ गया तो मिडल वाला यही होता है तीन इधर से निकाला ये हमारा आंसर है उपासना आपको क्लियर हुआ कहाँ पे मिस्टेक हुआ उपासना जी सर वो मैंने कॉन्सोनेंट को चेंज नहीं किया था वो लाइन मुझे दिखी नहीं मतलब अच्छा, समझ तो में नहीं आया वो थोड़ा सा लास्ट का ही है सर बाकी मैंने वायवल को चेंज किया था तो इसलिए मैंने एफ बताया बीच का मिडल मैं कॉन्सोनेंट को भी चेंज करती तो फिर ही आता कोई बात नहीं लेकिन अभी क्लियर हुआ ना आपको ये यस सर ठीक बाकी किसी को डाउट है मुझे बताओ स्टूडेंट सिक्स अल्फाबेट रहेंगे तो थर्ड आएगा क्या मिडल अगर सिक्स रहेगा तो सर मिडल आएगा ही देखो कभी भी मिडल जो आता है वो हमारा ऑड नंबर पे आता है नाइन पे मिडल आ सकता है नाइन को टू करो 4.5 तो फोर इधर आएगा 0.5 क्यों होता पता है क्योंकि आधा हिस्सा इसमें होता है आधा हिस्सा इसमें होता है तो 0.5 हम कंसिडर नहीं करते 4 को कंसिडर करते हैं 4 इधर आएगा बट आप बोलोगे 4 का मिडल क्या होगा तो 4 का मिडल नहीं होता वो 2 ही होता है फिर कि 2 हाफ हो जाएगा ना मतलब 1 2 3 4 आप बोलोगे इसका मिडल निकालने के लिए तो नहीं निकलेगा ना तो सीधा आधा आधा हो गया ना समझ रहे हो अजय क्वेश्चन में नहीं आएगा क्या 6 6 बिल्कुल नहीं आएगा आपको ऑड नंबर आएंगे अगर आपको मिडल पूछा तो ऑलवेज ऑड नंबर ही होगा सर एक बार फिर से बताइए ना क्या बताऊं मतलब कौन सा ये वाला मिडल वाला नहीं मिडल नहीं सर अल्फाबेटिकली अरेंज वो समझा बट वोवेल्स वो नहीं समझा मैं वोवेल्स मतलब क्या होता है मैम ये बताइए प्रियंका मैम हां सर ई आई हां वो हमारा ये वोवेल हां सर कंसोनेंट क्या होता है एक्सेप्ट बाकी कंसोनेंट बाकी का ठीक है चलो बोला था हमारे क्वेश्चन में पहले हमने ये सॉल्व किया था इसको लेफ्ट टू राइट में अरेंज किया था बरोबर हां सर लेफ्ट टू राइट में अरेंज किया था हमने फिर हमें बोला है जितने भी वॉवेल है वो नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा और जितना भी कॉन्सोनेंट है वो प्रीवियस होना चाहिए तो देखो वॉवेल क्या क्या है ई हमारा वॉवेल है ई हमारा वॉवेल है आई हमारा वॉवेल है बरोबर हाँ सर तो इसको नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दो ए के बाद क्या आता है बी बी ले लो ई के बाद क्या आता है एफ एफ ले लो आई के बाद क्या आता है जे जे ले लो और जितने भी बीच के जो बचे हैं हमारे कॉन्सोनेंट उनको बोला है कि प्रीवियस में चेंज करो प्रीवियस ही बोला है ना हाँ सर तो देखो डी का प्रीवियस क्या हो जाएगा सी सी ले लो एफ का प्रीवियस क्या हो जाएगा ई ई ले लो एन का प्रीवियस एम और टी का प्रीवियस एस तो ऐसे ही करना था क्लियर प्रियंका मैम हाँ सर हाँ ठीक है फिर इसमें बोला है कि मिडल निकालना है तो मिडल कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ मिडल कैसे निकालते चलो एक इधर से कैंसिल करो 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 जो कैंसिल नहीं होगा वो मिडल होगा ये एक तरीका है दूसरा तरीका है अल्फाबेटिकल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आएगा हमारा 3.5 बट 0.5 को कंसिडर मत करो तीन यहाँ से लो तीन वहां से लो तीन यहाँ से तीन वहां से आपका मिडल आ गया क्लियर रफ कर दूं स्टूडेंट बताइए रफ कर दूं मैं यस सर यस सर यस सर एक मिनट हाँ हाँ नोट डाउन कर ली
हो गया लिख के तो बताइए मुझे। हाँ सर हो गया। चलो रफ कर दूं। स्टूडेंट्स बताइए रफ कर दो क्या। हाँ सर। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। One is subtracted from each odd digit and one is added to each even digit in the number 4, 8, 7, 3, 5, 2, 9. Which of the following will be the difference between the second from left and आपको दिखेगा तो बताना मुझे, नहीं दिख रहा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो बताना। एंड थर्ड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट, ये सॉल्व करिए। फाइव आया। बाकी लोग को चेक करते हैं, बाकी लोग आंसर आ जाए तो। सर हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर आंसर आते हैं। फाइव सर। फाइव सर। सबका आंसर फाइव आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो यहाँ पे बोल रहा है वन इज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑड डिजिट क्या होता है और इवन क्या होता है, पहले ये बताओ। ऑड मींस विसम और इवन मींस सम। इफ नंबर डिविजिबल बाय टू। अजय वेरी गुड, ये डेफिनेशन, ये समझाने का तरीका अच्छा था अजय। वो किसने बताया था मैम, क्या नाम है आपका? उपासना सर। सर सम संख्या को इवन और विषम संख्या के ऑड, वैसे तीन सभी जानते हैं, 3, 7, 9 ऑड नंबर है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते, लेकिन तो, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। दो से डिवाइड होते हैं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ उपासना, आपने कैसे समझाया पता है, मैंने पूछा कि डिविजिबल बाय टू रहता है। हाँ हाँ सर, अभी लंबे में लंबा हो जाता है, जो दो से डिवाइड हो, जो दो से कट जाए वो इवन नंबर है, जो दो से ना कटे वो ऑड नंबर है सर। ये तरीका सही था, मतलब आपका समझाने का कि, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला इवन क्या होता है, वो सम होता है, मतलब वाह, मतलब वही घुमा फिरा के हम लोग आगे कि तंदूरी बिरयानी कैसे बनता है, तो बनता है ऐसे तंदूरी बिरयानी, आपने ऐसे बताया, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। लेकिन वो सही लगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो इवेंट नंबर वो होता है जो दो से डिविजिबल होता है, जैसे दो से डिवाइड क्या होता है, दो होता है, चार दो, होता चार है, छह आठ दस, आठ और दस, मतलब जो होता है, ठीक है। इवेंट ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं। ये क्लियर इतना? किसी को डाउट आ रहा है इसमें बताओ? नहीं अंकुश, क्लियर? यस सर, यस सर। चलो आप लोग ये बताओ मुझे, आपने लोगों ने नोट डाउन किया है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला है वन इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड मतलब माइनस करना है, माइनस करना। एंड वन इज एडेड, एडेड मतलब जोड़ना, किस पे जोड़ना, इवन पे। सब्सट्रैक्ट किस पे, ऑड पे। सब्सट्रैक्ट करना है ऑड पे, इवन पे एक एड करना है। तो देखो पहले इवन पे एड कर लो, पहले इवन वाला ढूंढ लो, फोर का क्या हो जाएगा, एट का क्या होगा, नाइन। इवन ढूंढो, इवन ढूंढो, डायरेक्ट इवन ढूंढो, थ्री हो जाएगा, बरोबर। अभी वन सब्सट्रैक्ट करना किस पे,
ऑड पे, सेवन क्या होगा सिक्स, ये होगा टू, ये होगा फोर, ये होगा एट. ये सबको समझ में आया क्या नहीं आया ऐसा बताओ मुझे. Yes, सर इतना समझ में आ गया, लेफ्ट टू राइट वाला कंफ्यूजन हो रहा है. मैं बताया तो क्योंकि वो आपका कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चैप्टर कवर नहीं हुआ है, वो सीरीज में कवर होता है वो लेफ्ट टू राइट. तो ओल्ड स्टूडेंट ने आंसर कर दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ कुछ डिफिकल्टी है. पहले ये बताओ ये समझा क्या कि कैसे. हाँ, ये इतना आंसर आ चुका है सर. अंकुश बाकी लोग बताइए. चलो अब बोला है आगे पढ़ो, आगे मैंने मिटा दिया, आगे पढ़ो क्या बोला है. Sir, which of the following will be the difference between second from left and third from the right? ठीक है, ये देखो, second from the left and third from the right. देखो, कभी भी ध्यान रखना कि always, always board की तरफ मेरा ये हाथ है, दिख रहा है? ये देखो हाथ दिख रहा है मेरा board की तरफ. तो देखो ये मेरा right hand है, ये मेरा left hand है, बरोबर ना? ये right, ये left है ना? हाँ सर. तो देखो ये बोर्ड है मेरा, सपोज करो आप भी बुक की तरफ आप देख रहे हो, आप अपने बुक की तरफ देख रहे हो, तो ये ऑलवेज आपका राइट हैंड होगा, ये ऑलवेज आपका लेफ्ट होगा, ऑलवेज याद रखना. हाँ. देखो आप बुक की तरफ देख रहे हो ना, याद देखो कहाँ पे राइट हैंड कहाँ पे. सपोज करो ये मेरा बुक है, मेरा राइट हैंड इधर ही जा रहा है और लेफ्ट हैंड इधर जा रहा है कि नहीं, देखो जरा जा रहा है ना. हाँ सर. हाँ सर. तो देखो बोला सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट काउंट करो लेफ्ट से सेकंड, कौन सा क्या आया. अभी राइट का क्या था, थर्ड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट मतलब ये हमारा राइट है, थर्ड ले लो, एक दो तीन फोर, क्या आंसर आएगा हमारा बताओ जरा, छह पाँच फाइव. वेरी गुड. समझा आप लोग को कैसे करना है. हाँ सर, ये लेफ्ट राइट वाला एक और बार समझा. लेफ्ट राइट देखो, देखो यहाँ पे कभी भी याद रखना हमारा ये डायरेक्शन, ये साइड जो होता है राइट हैंड हमारा, जहाँ पे भी आप फेस कर रहे हो ये हमारा ऑलवेज राइट होता है ये साइड, और ये साइड हमारा ऑलवेज लेफ्ट होता है, बराबर. तो बोला है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से दूसरा, तो पांच नंबर, पांच जो दिया पहले नंबर पे है, नौ जो दिया दूसरे नंबर पे है ना, हाँ, ले लो. और क्या बोला, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब माइनस. और बोला थर्ड फ्रॉम राइट, तो राइट से थर्ड ले लो, तो देखो थर्ड काउंट करो, एक दो तीन, कितना आया चार, माइनस कर दो, कितना आया आंसर हमारा पांच. अंकुश क्लियर. हाँ सर क्लियर. रफ कर दूं ये, नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. मैं आपको और एक क्वेश्चन लेना है वो ले लेता हूँ. सर ये वन वन मार्क्स के थोड़े से टफ है, मतलब थोड़े ट्रिकी विकी वाले. नहीं नहीं, इतना कोई ट्रिकी नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है. प्रैक्टिस करोगे ना, देखो कुछ भी डिफिकल्ट होता नहीं, पहली बात तो माइंड से निकाल दो, टफ होता है कुछ. सर बस सिर्फ एक ही नंबर का आता है क्वेश्चन ये. हाँ हाँ, एक नंबर के आएंगे क्वेश्चन, और पांच नंबर के भी आते हैं, पांच नंबर ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है. तो एक नंबर के आते हैं ऐसे क्वेश्चंस और पांच नंबर वाले भी आते हैं. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, वो भी आता है, मैं एक मिनट निकालता हूँ, वो टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो मैं सॉल्व करा देता हूँ, एक मिनट रुके जरा. हेलो सर. हाँ बोलिए ना कुछ बोलिए. सर मैं ये पूछ रहा था, आपको क्या लगता है सर, अभी ये भी साल पूरा लॉकडाउन में चले गए. देखो मैं तो चाहता हूँ खुल जाए, लॉकडाउन बहुत तकलीफ दे रहा है आज के डेट में, तो नहीं लगना चाहिए सर. हाँ सर वही मतलब. देखो अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चालू है और ये बीमारी और बढ़ रही है, अब बढ़ भी रही है कि क्या हो रहा है अंदर कुछ पता नहीं अपने. अभी देखो ना बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां थी नजर आ रही हैं क्या,
नहीं सर, सिर्फ यही कोविड 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 जो और में नॉर्मल भी मर रहा है वो कोविड में मर रहा है, क्या चल रहा है ये समझ रहा नहीं सर। शॉकिंग बात है कि 21 साल के 25 साल के भी लोग चालू हो गए। मैं भी सुना ये बात, अब अंदर क्या हो रहा पता नहीं। एक मिनट रुके जरा, मैं आपको एक मिनट क्वेश्चन ढूंढने दो, एक मिनट जरा। सर वो जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपने पहले बताया तो वो एक समझा दीजिए ना लास्ट में। फर्स्ट नंबर चलो लास्ट में ले लेंगे, एक क्वेश्चन बस सर, पता चल जाएगा ना कैसा आपने बताया तो फिर हम लोग वीडियो देखेंगे तो हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है लास्ट में ले लेता हूं। हां देखो यहां पे क्वेश्चंस दिखा दिया हुआ है, हाउ मेनी such pair of letter are there in the world? Word क्या है? Monitored. Each of the which has as many letters between them इन द वर्ल्ड। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ अल्फाबेटिकल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी सच अ पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड। पेयर की बात कर रहा है, कितने पेयर्स आएंगे। जब पेयर्स की बात चलता है ना तो ये टाइप के क्वेश्चंस को ना जनरली आप एग्जाम में अवॉइड करना स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं ना हार्ड क्वेश्चन पहले लिया करो। हाँ सर, मैं बोलता हूँ हार्ड क्वेश्चन पहले मत लिया करो, पहले इजी क्वेश्चन लिया करो, आपका टाइम गलाएगा यहाँ पे। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं लेना है पहले, आपको इजी लेना है। ये हार्ड नहीं है लेकिन आपका टाइम गलाएगा, ये आपका कम से कम 2 मिनट खा जाएगा। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क मिलेंगे। लेकिन 2 मिनट में देखो, ये 2 मिनट में 1 मार्क हमको मिलेगा, इससे बेटर है 2 मिनट में हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ पे 5 मार्क मिले, तो कौन सा बेटर डील है? स्किप करो, पहले इजी इजी क्वेश्चन जो भी है पहले अटेम्प्ट कर लो, इसको लास्ट में हाथ लगाना, क्योंकि ये जब टाइम बचेगा तब हाथ लगाना, नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम खाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मॉनिटर दिया है पहले, क्या करना है अब इसको नंबरिंग करिए। एम का नंबर क्या आएगा? 13 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। 15 ओ का नंबरिंग क्या आएगा यहाँ पे? 15 14 एन का नंबरिंग देखो क्या है? 14 9 आई का नंबरिंग क्या है यहाँ पे? 9 20 ई का नंबरिंग क्या है यहाँ पे? 20 ओ का नंबरिंग क्या है यहाँ पे? 15 आर का क्या है? 18 15 ठीक है। ई का क्या है? 5 5 डी का क्या है? 4 4
तो ये नंबरिंग कैसे किया आपको समझा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ऑलरेडी नंबर डाला हुआ है, वो मैंने नंबरिंग किया। क्लियर हो रहा है? नए स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। यस सर। चलो अब करना क्या है इसमें, आप बोलोगे सर आपने नंबरिंग कर दी, अब करना क्या? कुछ नहीं करना, काउंटिंग करते बैठो। देखो 13 है ना, 13 से आगे काउंटिंग करते बैठो, अगर जहाँ पे आपको नंबर मैच हो गया वो आपका एक पेयर बनेगा। देखो 13 के बाद क्या आता है, 14 मैच हुआ नहीं सर, 15 मैच हुआ नहीं, 16 मैच हुआ नहीं, 17 मैच हुआ नहीं सर, 18 नहीं, 19 20 21 मैच हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 है, पीछे भी काउंट करो, 16 है क्या यहाँ पे? नहीं सर। आगे बढ़ते चलो, 16 है नहीं सर, 17 नहीं, 18 नो, 19 20 21 22 मिला मैच, एक भी मैच हुआ नहीं सर। चलो 14 से पीछे काउंट करो, 15 एक मिला ना, हाँ एक मिला, 16 है क्या 16 पीछे? नहीं सर। आगे काउंट करो, 15 16 17 18 मिला, 18 19 20 तो दो मिला अभी तक। चलो यहाँ पे देखो 10 11 12 मैच हुआ नहीं सर, ठीक है 10 11 12 13 14 मैच हुआ नहीं सर, नहीं मैच हुआ। 20 से बड़ा कोई नंबर है क्या यहाँ पे? नहीं, तो आगे काउंट नहीं करना, आगे काउंट नहीं करना। चलो 15 ले लो, पीछे से काउंट करो, 16 17 18 19 20 है मैच हुआ नहीं सर। चलो आगे काउंट करो, 16 17 18 मैच हुआ नहीं सर, नहीं 18 पे देखो 90 20 मैच हुआ ना? हाँ सर। ठीक है 21 आपसे ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। हाँ। चलो यहाँ पे देखो 19 20 मैच हुआ नहीं सर, नहीं हुआ। चलो यहाँ पे उल्टा काउंट करो, 5 है, आगे काउंट करोगे 6 मैच हुआ क्या यहाँ पे? No. नहीं ना, पीछे काउंट करो, 6 7 8 9 9 मैच हो गया, 10 11 12 मैच हुआ आगे? No. नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे काउंट करो, 5 मैच हुआ ना 5? हाँ। 6 एक है यहाँ पे? नहीं। 7 9 8 9 9 मैच हो गया, तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 आगे कोई है नहीं, 9 10 11 12 नहीं है, तो कितना पेयर बना हमारा? 3 3 6 कितना नंबर ऑफ पेयर बने? 6 पेयर्स। क्लियर? यस सर। आपको समझा कैसे करना है ये क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। यशश्री राइट 6 पेयर्स, मतलब जितने भी पेयर दिया रहेगा उधर अल्फाबेटिकल के नंबर्स के नंबर रखना है, जितने भी नंबर यहाँ पे दिया काउंटिंग करना, आगे से भी काउंट करना, पीछे से भी काउंट करना, और काउंटिंग ऐसा करना है अगर यहाँ पे 15 दिया है तो 15 के आगे नंबर का काउंट करो, 16 17 18 आप पे 14 दिया है तो 14 के पीछे आगे नंबर का काउंट करो, 15 16 ऐसा काउंट करो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। आप लोग जरा सॉल्व करिए, मैं नाम देता हूँ, आप लोग जरा सॉल्व करिए। कितने पेयर बनेंगे सॉल्व करिए? सर 2। ओके, और किसी का आंसर आया? 1 दीपाली का आंसर। ओके, कश्मीरा का 1 आ रहा, दीपाली का 1 आ रहा, 2 किसका आया था नाम बताइए? 1 आ रहा संतोष का भी 1 एक्चुअली ही ना, चेक करो फिर से, 1 तो नहीं सर, 1 है आंसर, 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा ना। ओके चलो सॉल्व करते हैं, साइली का भी आ गया, 1 ही पेड़ आया, 1 ही आया। चलो डी का देखो क्या है, 4 5, L का क्या है 12, U का 21, X का 24 और E का 5। फाइव।
काउंट करो, फोर के बाद क्या आया? फाइव, एक पेयर जगह पे बन गया। सिक्स सेवन एट नाइन, बना क्या? नहीं बना। यहाँ पे सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन, नहीं बना। थर्टीन फोर्टीन, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, नहीं बना। यहाँ पे है ही नहीं, ट्वेंटी फोर से आगे है ही नहीं। सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक ही बन रहा है हमारा। क्लियर, समझा आपको? यस सर, यस सर। और कोई नाम दो एक, सॉल्व करोगे? हाँ जी सर। मैं स्टूडेंट में से किसी का नाम दे देता हूँ। किसका नाम दूँ? मेरा नाम अंकुश कर ले। चलो अंकुश, हाउ मेनी पेयर्स अंकुश का बता दो नाम का। सर एक भी नहीं, सर एक भी नहीं, एक भी नहीं, सर कोई नहीं बन रहा प्यार। अंकुश नाम बदल ले। मेरी किस्मत टूटी है, क्या करूं, नाम नहीं बदल। सर नहीं बन रहा, सर एक भी नहीं, सर है भी कि नहीं, एक भी नहीं। नो सर, नो सर, नहीं सर, जिंदा है अभी। सर क्या करूं सर मैं अभी इसका? क्या हुआ, नहीं मिला क्या अंकुश? कुछ भी नहीं आ रहा सर। नो सर, कमाल कर रहे हो। एक हो रहा है क्या? एक है, एच के हो रहा है, एच के हो रहा है। एक का, एक का नंबर कर दो वन, एन का कर दो फोर्टीन, के का हो जाएगा 11, यू का हो जाएगा 21, का हो जाएगा 19, का हो जाएगा 8, बरोबर? चलो चलो चेक करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है। 15, 16, 17, 18 हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होएगा। 12, 13, 14 नहीं हो रहा है। 21 से कोई नंबर नहीं है। 20, 21, 22, 23 नहीं है। 9, 10, 11 एक बन रहा है। 12, 13 एक तो बन रहा है। जिसने भी बोला थैंक यू। मैंने बोला दीपाली मैम, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 8 है, 9, 10, 11 यहाँ पे बन रहा है। क्लियर, चलो क्लियर, डन। हाँ सर। सर वो 19 है ना, 9 नहीं है ना एज का? हाँ तो 19 ही है ना, तो 8, 9 बोला ना आपने। अरे वो काउंट किए ना, 8, 9, 10, 11 8, 9 क्या नाम, 9 यहाँ पे है क्या, मुझे बताओ। हाँ है ना सर, 19 नहीं है। हाँ 19 ही है ना सर। नहीं नहीं चेक करो ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका सर। देखो मैम, देखो 8 यहाँ पे है, 19 लिखा हुआ है उल्टा से। 8 से क्या होता है 9, क्या 9 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 19 है, ठीक है। 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं 11 यहाँ पे लिखा है हमारा, एक क्लियर प्रियंका? हाँ सर, हाँ। मैं आपको और भी टाइप से क्वेश्चंस कराता हूँ यहाँ पे सॉल्व, दो मिनट दो मुझे, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। रफ करो तो इसे। यस सर। चलो यहाँ पे देख लो, इफ वॉटर इज कोडेड एज 1, 2, 3, 4, 6, स्टीम
is coded as 53427. So then how master is coded? बताओ. बहुत सिंपल है, इसके पहले भी किया था हमने. चलो बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? 7 2 5 3 4 6. चलो देखो यहाँ पे इसके पहले भी हमने सीखा था ना, वो कोडेड में था. तो अभी देखो वॉटर का कोड ये है, टीम का कोड ये है, तो ये सिंपल है. तो एम का कोड क्या होगा? देखो ये 7 आ गया. ए का कोड 2 है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ 2 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा. एस का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ई का हमारा 4 आ जाएगा. आर का हमारा आ जाएगा 6. सबका कोड यही आया था? यस सर. यस सर. सबका कोड, कोई डिफिकल्टी इसमें मुझे बताओ? नो सर. मैं आपको ना ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ कि आपको अगर एग्जाम में आया तो आप घबराओगे नहीं. चलो यहाँ पे ले लेते हैं. इफ टीचर इज कोडेड एज आई वी एस एक्स जेड वी जी देन हाउ क्राउड इज कोडेड. सॉल्व करिए इसे. क्या हुआ, बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं सर. V E L H Y आएगा क्या? V E L H Y Y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 चेक करते. चलो
देखो यहाँ पे टीचर दिया है क्या दिया है I V X Z V E. मैंने आपको बताया था कभी भी आप ना सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो. हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लिया, तीन इधर हुआ ना. बताओ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बताइए. हाफ ऑफ पार्ट में हो गया. पहले चेक करो कि प्लस माइनस वाला है क्या. और हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि प्लस माइनस तभी होगा जब का होगा. देखो टी कहाँ पे, यहाँ पे, और आई कहाँ पे, यहाँ पे. तो प्लस माइनस होगा क्या इतना लंबा? नहीं सर, नहीं हो रहा ना. और अपोजिट भी नहीं हो रहा है? नहीं, अपोजिट भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. देखो और टी यहाँ पे क्रॉस, मतलब है ना, रिवर्स में भी नहीं लिया इन्होंने. रिवर्स में भी लिया है क्या? आर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिया. तो चेक करो टी का ये नहीं है. पहले रिवर्स ऑर्डर देखो, अपोजिट अपोजिट किसका किसका क्या आ रहा है, चेक करो. हाँ बोलो ना सर. ईवी सर कोड आ रहा है 11985891. 11 9 क्या बोल रहे हो सर? 11985 फिर 8911 उसका टीचर का जो कोड है ना सर, आई से सर बैकवर्ड आ रहा है. हाँ 11988. नहीं मैं समझाता हूँ. यहाँ पे देखो टीचर है. पहले ना अपोजिट चेक करो. टी का अपोजिट क्या है? जी है. टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है ना. यस ठीक है. ई का अपोजिट क्या होता है? वी. तो देखो ई का अपोजिट वी दिया है, ये हो सकता है. ए का अपोजिट क्या होता है? जेड. ए का अपोजिट यहाँ पे जेड दिया है. सी का अपोजिट क्या है? एक्स. ये इसका अपोजिट एज इट इज दिया है. ठीक है. और देखो एच का अपोजिट क्या होता है? एस. तो यहाँ पे देखो सिक्वेंस सबका अपोजिट है, बस सिक्वेंस चेंज किया हुआ है. देखो यहाँ पे टी का अपोजिट देखो क्या दिया है? जी. टी का अपोजिट दिया है जी, ऐसा आएगा. ई का अपोजिट क्या होता है? वी. तो ई का अपोजिट वी दिया है. तो देखो वी दो जगह पे, इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको छोड़ो, समझ में आएगा आगे. ए का अपोजिट क्या है? जेड है. ए का अपोजिट ये जेड में आएगा. दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हाँ सर. ठीक है. एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है. यहाँ पे लिख दिया उन्होंने. ई का अपोजिट क्या दिया है? एज इट वी दिया है, इसको छोड़ो. आर का अपोजिट क्या होता है? आई. तो आर का अपोजिट देखो ये वाला वर्ड सीधा फर्स्ट में आ रहा है, तो ई वाला वर्ड भी इधर ही आएगा और ये वाला ई वाला वर्ड यहाँ पे जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जंबल हो गया पूरा, ऐसा जंबल हो गया क्या? हाँ सर. चलो मतलब तीन लेफ्ट में जा रहा है, तीन राइट में जा रहा है. तीन लेफ्ट में जा रहा है, तीन राइट में जा रहा है. देखो लेकिन अपोजिट में जा रहा है. देखो टी का अपोजिट क्या दिखाता है यहाँ पे? राइट में जाएगा. इसका कोड ले लो आई वी एस एक्स जेड वी और जी. हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया. टी का अपोजिट जेड हो रहा है, तो इसको नंबरिंग कर लो. 1 2 3 4 5 6 और 7 बरोबर नंबरिंग किया. यहाँ तक क्लियर है क्या कि सबको? मुझे बताओ. यस सर. ठीक है सर. अभी देखो टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट होता है जी. पहले ना हम अपोजिट चेक करें क्या क्या वो अपोजिट है क्या इसमें. देखो जी यहाँ पे दिया है. ई का अपोजिट होता है वी. वी यहाँ पे दिया है. ए का अपोजिट दिया है जेड. जेड है क्या? देखो यहाँ पे है. सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स. गिवन है. एच का अपोजिट क्या होता है? एस. मतलब समझ लो ये अपोजिट ही है, अपोजिट वाला ये. क्लियर समझ में आ रहा है? बस सिक्वेंस चेंज कर दिया है. तो टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है ना. हाँ सर. तो ये टी का नंबरिंग क्या है यहाँ पे? 1 है. 1. तो यहाँ पे जी पे 1 कर दो. ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है. तो यहाँ पे भी वी दिया है, यहाँ पे भी वी दिया है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो. ए का अपोजिट क्या होता है? जेड. जेड. तो एक तीन नंबर किस पे आएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा. समझ रहा है? सी का अपोजिट दिया है एक्स. सी का अपोजिट एक्स है, ये ऑटोमेटिकली सामने सामने आ गया. समझा आपको? प्रियंका का किसका आंसर आया? यशस्वी का आया. चेक करते हैं यशस्वी. देखो यहाँ पे इतना समझा सबको? yes. मुझे बताओ जरा. यस सर. एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है. तो एस कहाँ पे दिया है? यहाँ पे. और एच का नंबर क्या दिया है यहाँ पे? 5. तो एस के नीचे 5 लिख लो. अब आर का अपोजिट क्या दिया? ई को छोड़ो. आर का अपोजिट देखो क्या है? आई. और आई का नंबर क्या है? 7.
आर का अपोजिट आई होता है ना, देखो आर का अपोजिट, ठीक है, तो आर का नंबर क्या दिया है यहाँ पे हमने, मतलब क्या किया सेवन, तो आर को यहाँ पे सेवन लिखो. नंबर देखो वन थ्री फोर, यहाँ पे फोर है, फाइव, तो नंबरिंग क्या होगा, वन टू, मतलब टू वाला यहाँ पे आएगा, और थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, उल्टा हो रहा है कि नहीं, अपोजिट करके मुझे बताओ, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, उल्टा हुआ कि नहीं? हाँ सर. ठीक है, तो क्राउड का बनाओ, क्राउड का क्या आएगा, पहले आप पार्ट में डिवाइड करो, डब्ल्यू डी एल आई एक्स. चलो देखते हैं देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो, वन टू थ्री फोर और फाइव, यहाँ पे भी उल्टा क्या होगा, वन टू थ्री फोर, नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है. चलो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम, नंबरिंग कर लो ऊपर का, वन टू थ्री फोर और फाइव, सीक्वेंस देखो यहाँ पे था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहाँ से उल्टा हो रहा था, हो रहा था ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो रहा था कि नहीं, तो यहाँ से भी उल्टा ही होगा, वन टू डब्ल्यू डी एल फोर फाइव. चलो चेक करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है. देखो सी का अपोजिट का वन यहाँ पे ले लो, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स एक्स. आर का अपोजिट क्या होता है, आई. आर का अपोजिट यहाँ पे ले लो आई. अब ओ का अपोजिट एज इट इज ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एल. अब यहाँ पे फोर का अपोजिट क्या है, फोर का अपोजिट सी हमें, डब्ल्यू का फोर नंबर का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, डी. नहीं नहीं डी 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 सॉरी. ठीक है, अभी देखो डी, डी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, डब्ल्यू. तो डब्ल्यू डी एल आई एक्स ये हमारा होगा क्राउड का. क्लियर, एनी डाउट बताओ मुझे, समझ में आया? यस सर. ओके, किसी को डाउट है इसमें? नो सर. ओके, नो सर. ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एक एक मार्क के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, समझा सभी लोगों को कैसा क्वेश्चन आ रहा है? यस सर. तो आप लोगों को लॉजिक इसमें मतलब लगाना पड़ेगा, मतलब इजी है, तो कुछ भी नहीं है लगाने गरज नहीं है, इजी है. चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं उपासना मैम के लिए, सॉल्व कर लेते पांच मार्क वाले क्वेश्चन. हाँ नोट डाउन कर लीजिए उपासना मैम. यस सर. हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट किया था ना एक क्वेश्चन लेने के लिए. यस सर. चलो ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा. हाँ सर, वो बस जान जाए, एक बार आप बता देंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा. बता देता हूँ क्योंकि फाइव नंबर का क्वेश्चन है ना सर, तो इससे. हाँ, अब वो इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है इसका. लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए. होगा होगा हो गया. हाँ क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कोडिंग डिकोडिंग वाले. चलो रफ कर दूं, बताइए, रफ कर दूंगा. हाँ सर. यस सर. चलो पांच नंबर वाले क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. यहाँ पे देख लो, कोल्ड डेज इन विंटर, इसका कोड दिया हुआ है. सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसको आता है वो सॉल्व करे, बट जो नए स्टूडेंट हो प्लीज यहाँ पे ध्यान दे. दीज रूम आर कोल्ड, इसका कोड दिया हुआ है एफ ओ आर यू बी जेड एन एच, और प्लेजेंट स्मेल इन रूम का कोड दिया है टी ई आर यू आर यू ओ एम ए डी. सबको राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. विंटर डेज आर सर, एफ ओ के बाद क्या लिखा है? एफ ओ आर यू. सभी लोग नोट डाउन करिए, सभी लोग नोट डाउन करिए साथ में, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले बुक में.
नोट डाउन करके हो जाएगा तो मुझे बताइए। सभी लोग का नोट डाउन करके हो गया? स्टूडेंट्स बताइए सबका नोट डाउन करके हो गया क्या? नो सर, एक मिनट। हाँ हाँ, नोट डाउन कर लीजिए सर। सर जो कोडिंग किया आपने वो फिर से रिपीट कीजिए ना, R S T E K P आगे क्या बोल रहे हो मैम? सर जो आपने कोडिंग किया ना R S K E T E P K P उसके आगे N H और फिर सेकंड का भी बोल दीजिए F O R U Z N H, थर्ड का भी लिख लो T E R U O M A D, उनका भी ले लो KP AD RS FO। क्लियर, सबका लिख के हो गया? चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बोलिए सॉल्व करें। यस सर। चलो यहाँ पे देखो क्या करना, हमें ये वर्ड दिया है, वर्ड के अगेंस्ट हमें कोड दिया है, ये वर्ड दिया है, सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के अगेंस्ट ये कोड दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिंपल कॉमन ढूंढना है और कॉमन को कट करके कोड को लिखना है। देखो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में देखो कोड कहीं पे लिखा है क्या? सेकेंड में देखो कोड, सेकेंड तो देखो थर्ड में लिखा है कोल्ड नहीं, फोर्थ में कोल्ड लिखा है नो सर नहीं, कोल्ड आपको जो मिला है, कोल्ड जो आपको मिला है वो फर्स्ट और सेकेंड में मिला है, तो आप जो कॉमन कोड है इसमें से फर्स्ट और सेकेंड में ढूंढिए एनएच, एनएच तो ये हमारा कोड होगा एनएच, और एनएच को कैंसिल करना है। ठीक है, अब इसका डेज का पढ़ो आगे, वर्ड आगे पढ़ो, डेज या सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में कहीं पे भी डेज लिखा हुआ है, फोर्थ में है, तो आप डेज यहाँ पे लिख लो, और कॉमन किधर ढूंढोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ में ढूंढोगे, तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन आएगा, आर एस, केपी भी तो है, तो चेक करो केपी पहले कट करो, केपी ले लो और अभी चेक करो इन, हाँ करेंगे करेंगे, आर देखेंगे इन को देखो, फर्स्ट थर्ड में, थर्ड में, थर्ड में इन है, और दोनों पे कॉमन देखो क्या है, टीई, टीई यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पे बचा विंटर, विंटर बचा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में है क्या, देखो चेक करो फोर्थ में है, देखो यहाँ पे विंटर कट होगा, यहाँ पे विंटर कट होगा, बस एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे देखो डेज यहाँ पर भी है, विंटर यहाँ पे भी है, एक ही सेंटेंस में है, और यहाँ पे भी विंटर और डेज एक ही सेंटेंस में है, और कोड देखो क्या मिल रहा है, आर एस आर एस, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें से ये बता सकते हो क्या 100% श्योरिटी के साथ कि विंटर का कोड केपी होगा या आरएस होगा, दोनों में से नहीं, कोई सर, नहीं बता सकते। तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ड आते हैं, तो उसके सामने ये कोड दोनों लिख लिया करो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड फॉर डेज, तो आप किस पे टिक करोगे पता है, दोनों पे, आइदर और आरएस, इस पे टिक करोगे, अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप किस पे टिक करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्लियर? यस सर, यस सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दीज लिखा है यहाँ पे, दीज, दीज हमारा थर्ड में फोर्थ में है क्या? नो सर, नहीं है, रूम चेक करो, रूम यहाँ पे है, रूम थर्ड एंड फोर्थ में है क्या? थर्ड में है सर, थर्ड में है, रूम ले लीजिए, थर्ड में कॉमन आर यू, आर यू, ठीक है, अब देखो आर यहाँ पे लिखा है, आर पे है, आर हमारा लिखा हुआ था ना, आर फोर्थ में है, फोर्थ में, कॉमन देखो क्या है, एफओ, एफओ कॉमन होगा कि नहीं, स्टूडेंट्स बताइए, यस सर, ठीक है, अब प्लेजेंट यहाँ पे लिखा है, प्लेजेंट यहाँ पे देखो फोर्थ में है क्या? हाँ सर, प्लेजेंट कट करो यहाँ पे, दोनों में कॉमन बताओ क्या है, एडी, 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 अब एक बात बताओ मुझे, स्मेल का कोड, स्मेल का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओ एम, ओ एम,
अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, तो आप क्या लिखोगे? आइदर केपीआरएस आरएस, या फिर वो ऑप्शन ना हो तो आप क्या लिखोगे? कैन नॉट बी डिफाइंड. व्हाट इज द कोड फॉर स्मेल, क्या लिखोगे आप? ओएम. बस ये पांच मार्क के ऐसे सॉल्व करते ऐसे आते हैं. डी इसका भी बीजेड होगा ना सर? सेकंड डी इसका बीजेड क्या हो जाएगा? बीजेड जो बचा वो कोड हो गया. क्लियर? तो स्टूडेंट एक बात बताइए, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया अभी तक किसी को कोई डाउट है? अजय कोई डाउट? अजय क्लियर है? हाँ बोलो अंकुश. सर जो ये हमने अभी एक एक मार्क्स के किए जिसमें ऑपोजिट आता है या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब सीरीज जैसे एक दो तीन के गैप वाला है, ऐसे नहीं आएगा ना सर कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला था? नहीं 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 इतना नहीं आता वो, ऐसे कोडिंग में नहीं आता ना? नहीं 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 ये कुछ ज्यादा ही होगा. चलो क्लास मिलते हैं इवनिंग के बैच में. सर इवनिंग के बैच जो स्टार्टिंग से है वो फर्स्ट क्लास है? वो स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास. ओके सर. चलो उपासना YouTube पे सर्च मार लो और कोडिंग रिकॉर्डिंग कॉल कर लो. ठीक है जी जी सर. थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में. ओके सर. थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू सो मच मैम.